मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि में जो तीसरी रात्रि को पूजा होती है वो किन माता की होती है, वो होती है चंद्रघंटा की। तो माता चंद्रघंटा जी की जो नौ रूप हैं माता के, उनमें से चंद्रघंटा की पूजा उपासना कैसे की जाती है, आइए जानते हैं और उनके विषय में भी जानते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी माता की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माता चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी माता की पूजा आराधना की जाती है। देवी माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना हुआ है, इसीलिए इस देवी माता को चंद्रघंटा भी कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी माता के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य शस्त्र और अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी माता की मुद्रा युद्ध के लिए उद्वत रहने की है और इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी माता की पूजा का महत्व है। इन देवी माता की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। मित्रों, इस देवी माता की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माता के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहजी परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी माता कल्याणकारी हैं। माता चंद्रघंटा देवी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं। इनके मस्तिष्क पर घंटे के आकार का जो अर्धचंद्र है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी माता भी कहा गया है। माँ चंद्रघंटा ने असुरों के साथ युद्ध में घंटों की टंकार से, घंटों जो घंटे बजते हैं उनकी टंकार से असुरों को चित कर दिया था। मित्रों, इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके जो 10 हाथ हैं, इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी जो मुद्रा है युद्ध के लिए उद्दत रहने की होती है। माता चंद्रघंटा जी की पूजा व अर्चना करने के लिए आप इन मंत्रों का उपयोग करें। ये मंत्र अत्यंत ही लाभकारी होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है मंत्र माँ चंद्रघंटा के लिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के दिन सांवली रंग की तेजवान विवाहित महिला को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं उनको। इसके साथ ही साथ भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भी देनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। नौ ग्रहों में शुक्र ग्रह माता चंद्रघंटा से संबंधित हैं और अगर आप जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है या उनके दुष्परिणामों से आप परेशान हैं तो आप उनसे संबंधित पूजा यज्ञ वगैरह का भी कर सकते हैं उनकी इस तीसरी रात्रि को, जिससे कि काफ़ी माता प्रसन्न होती हैं और आपके दुखों का निवारण होता है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आप उनसे संबंधित डायमंड या जिरकन भी पहन सकते हैं, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है कि खराब है, तो फिर आप हमसे भी ये चीज़ जान सकते हैं अपनी कुंडली को दिखा करके। और ये उसका क्या उपाय, उचित उपाय करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपको हमारे द्वारा आप
जान सकते हैं। मित्रों, आपको अभी हम माता चंद्रघंटा के विषय में बता रहे थे कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना नवरात्रियों में तीसरे दिन जो की जाती है, वो इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, उनके विषय में सारी जानकारी आपको हमने आज दी है यहाँ पर। और अब हम चाहते हैं कि आप हमारे ज्योतिष रतन लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और उसको अवश्य सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं या कार्यक्रम हैं वो आप तक आराम से पहुंच सकें और आप उनका भरपूर लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।